हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राइमरी लेवल पे देखेंगे आप लोग का जो फाउंडेशन है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जैसे आप उन सेंटेंसों के नियमों को जानना, कब कहाँ पे कैसे लगते हैं, ये सब चीज़ें प्राइमरी लेवल पे जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे बस शुरुआत किया ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एम। ये जो अलग कल आपने पढ़ा, अब एम की बातें करते हैं। तो एम का सेंस क्या था? हूं। तो आप जनरली क्या देखते हैं यहाँ पे लगाते थे रूल में कि ऐसे यदि ये तो बहुत छोटे लेवल पे आप लोग को लिख के बता रहा था कि आप बढ़िया समझ सकते हैं। यदि वाक्य में अंतिम में हो तो लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन सब्जेक्ट एम प्लस एम पी मेन। मेन का सेंस यानी ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं जो उसके लिए होता है। यस, यानी सब्जेक्ट में आप क्या होगा, सब्जेक्ट में ये तो प्रॉपर आप आई का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई। आई माने मैं। अब मैं के साथ ही हूँ आता है। मैं के साथ क्या आता है? हूँ आता है। ठीक है, आ जाओ तुम के अंदर आ जाओ। तब यहाँ हम क्या करेंगे, हम लोग जैसे लिखते हैं लिखते थे ना, मैं लड़का हूँ। मैं लड़का हूँ। अब देखते हैं मैं लड़का हूँ यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले मैं लड़का हूँ तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? आई आई मैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आई। फिर क्या लगाएंगे? एम। किसके लिए? इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। अच्छा, क्या ठीक है? आप से बोला जाए मैं विद्यार्थी हूँ। ठीक, मैं विद्यार्थी हूँ। आज क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगेंगे? एम। उसके साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। क्लियर? इस तरह से सेंटेंसेस या आपके बन जाते हैं बहुत अच्छे लेवल से। मान लीजिए तीसरा, मैं बहुत आगे हूँ। इतना ही फोन कराता है, एक फोन आगे आ रही हो ना, हेलो कहाँ हो? अबे बहुत मैं आगे निकल आया हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, ऐसे बोलते हैं ना वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। मैं बहुत आगे हूँ। अब देखिए आई हो जाएगा, आई माने मैं। उसके बाद क्या लगाएंगे? आई एम। आप बहुत शब्द आ गया तो वेरी लगा दीजिए, बहुत आगे एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई एम वेरी फॉरवर्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं आगे हूँ। आप यहाँ पे समझे मैं उपस्थित। मैं क्या हूँ? उपस्थित हूँ। तो क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई के साथ उसके बाद क्या लगाएंगे? आई एम प्रेजेंट। मैं अकेला हूँ। मैं अकेला ऐसे ये बेटा अकेले अच्छा लग रहा है ना, काम है ऐसे बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मैं अकेला हूँ। तो क्या लिखूँ? मैं आई।
आई इंडिया का आई ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे बनाए, उसके बाद हेलो मैं अकेला हूँ या और अभी जब अकेले हैं आज कितनी बनेगा है खुद खाएंगे पीएंगे हम लोग, इस तरह से भी बोल सकते हैं ना आई एम हेलो आई बात सुनने, इस तरह से बहुत से सेंटेंसेज होते हैं जब आप पढ़ेंगे बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आएगा, ठीक है। आप देखिए यही सब आपने ऐसा लिखा है, अब इसी के इंडिकेटिव में बना रहे हैं तो नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं नॉट लगाते हैं, इसके बाद एक के बाद एक बात क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, तो अभी आप इसको नोट करिए, नोट करने के बाद जो है आपको निगेटिव वाला बता रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कराते रहें, ओके थैंक यू।